राजधानी रायपुर में कांग्रेस के ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश में संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, जांच होती है और कार्रवाई भी होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की समस्याओं पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स करती है। वहीं विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि बलौदाबाजार घटना के जो वीडियोस और फुटेज सामने आए हैं, उसमें सभी ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया, बयानबाजी की, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार घटी है। कांग्रेस को प्रेशर पॉलिटिक्स न करके इस पर सहयोग करना चाहिए। भारत में कानून सबके लिए बराबर है। कोई क्यों ना कितनों बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर देवेंद्र यादव जी को पुलिस ने कहीं गिरफ्तार किया है तो उनसे पूछताछ भी किया है, और अगर उनको ऐसा लगता है तो उसके लिए अदालत है, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। परंतु केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए जिस प्रकार की बलौदा बाजार में घटना हुई, इसके बाद अभी पुलिस अपनी काम कर रही है, तो उसको लेकर दबाव बनाना, धरना करना, घेराव करना, मुझे नहीं लगता। इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। बलौदा बाजार की घटना प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना थी। अभी तक जो नहीं हुआ वैसा कांड जो है बलौदा बाजार में हुआ, इसलिए कांग्रेस को इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि इसमें किसी प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहिए।